एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने पति के घर आती है, अपना घर बार, अपने मात पिता, अपने यारे प्यारे सबको छोड़कर अपने पति के घर आ जाती है। दोस्तों, अगर पत्नी को उस घर में अच्छा माहौल मिल जाता है, पति अच्छा मिल जाता है, तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। अगर वहाँ पर उसको अच्छा परिवार नहीं मिलता और पति अच्छा नहीं मिलता, तो उस बेटी का, उस बहू का जीवन नरक बन जाता है। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक पति अपनी पत्नी के साथ इस कदर बर्बरता करता है, इसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वो खुद ही नहीं, अपने दोस्तों को अपने घर लाकर शराब पिलाता है और अपनी पत्नी के साथ दरिंदगी कराता है। वो सारे दोस्त मिलकर उसकी पत्नी के साथ में बलात्कार करते हैं और वो खुद बैठकर देखकर हंसता रहता है। आइए दोस्तों, जानते हैं किस तरह का माहौल था, किस तरह का मामला था, क्यों एक पति इतना निर्दयी हो जाता है। जो पति पत्नी का रक्षक हुआ करता है, वही पति उस पत्नी को अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों से उसकी इज्जत को लुटवाता है। दोस्तों, पूरा मामला जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद, आप देख रहे हैं APH न्यूज, राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, राजस्थान में एक जिला पड़ता है जयपुर, और जयपुर जिले का एक थाना पड़ता है सागनेर, और उसी का एक सीओपुर रोड है। ये 13 जुलाई 2022 का वाक्य है। 13 जुलाई 2022 को एक लेडी जिसका नाम गीता होता है, वो अपने पिता, अपने भाई को साथ लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, और वहां पहुंचकर जब अबीती बताती है तो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनकी आंखों में भी एक प्रकार से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि उस गीता के साथ में दरिंदगी ही इतनी ज़्यादा होती है। गीता बताती है कि साहब, कुछ दिन पहले मेरी शादी हो जाती है और शादी के बाद जो मेरे पति होते हैं राजेश, वो मेरे साथ अच्छे से रहने लगते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बीतते हैं, कुछ दिन बीतने के बाद जो राजेश होता है उसे शराब पीने की आदत पड़ जाती है। वो डे बाई डे शराब पी कर आया करता है और वो धीरे धीरे फिर अपने घर शराब पीने लगता है और अपने दोस्तों को भी घर बुलाने लगता है और दोस्त भी घर आकर शराब पीने लगते हैं। यह सब देखकर गीता परेशान हो जाती है और गीता अपने पति राजेश से कहती है कि ये बात अच्छी नहीं है, इन दोस्तों को घर लाकर शराब मत पिलाया करो। लेकिन पति मानने वाला नहीं होता है। एक दिन का वाक्य होता है, अब पति अपनी पत्नी गीता से कहता है कि तुम शराब की बोतल लेके आओ और हमें शराब पिलाओ। दोस्तों, गीता मना कर देती है, लेकिन पति को इतना बुरा लगता है, पति उसके साथ में मारपीट करता है, उसके साथ में लड़ाई करता है, और गीता इस सब से तंग आकर अपने मायके चली जाती है। अब मायके जाने के बाद जो पति राजेश होता है वो घर में अकेला रह जाता है और उसका अकेलापन उसे खाने लगता है। उसे अब लगने लगता है कि मुझे अपनी घरवाली को लेकर आना चाहिए, इसलिए वो अपनी ससुराल पहुँच जाता है और ससुराल जाकर अपने जो ससुर होते हैं, सास होती है, उनसे माफ़ी मांगता है और उनसे कहता है कि अब मैं अपनी पत्नी के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं शराब के नशे में ऐसा कुछ कर चुका हूं और मैं अब शराब भी छोड़कर आया हूं। यह सब देखकर घर वाले प्रसन्न हो जाते हैं और वो अपनी बेटी गीता को उसके पति के साथ भेज देते हैं। जैसे ही गीता ससुराल में आ जाती है, ससुराल में आने के बाद पति का रवैया फिर वैसा ही हो जाता है, फिर वो डे बाई डे शराब पी कर आने लगता है। पति अब उससे बदला लेने की सोचने लगता है कि इसने मेरे साथ में ऐसा किया, मुझे छोड़कर ये क्यों गई। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है। एक दिन का वाक्य होता है, जब पति अपने दोस्तों को बुलाकर अपने घर शराब पी रहा होता है, पत्नी उसे फिर भी मना करती है कि इनको यहाँ पर लाकर मत शराब लाया करो, लेकिन पति मानने का नाम नहीं लेता। उस दिन वो इतनी शराब पीते हैं, वो पति बिल्कुल टुल हो जाता है और जो दोस्त होते हैं वो भी टुल हो जाते हैं। टुल होने के बाद अब जो उसके दोस्त होते हैं उनके मंसूबे कुछ और होने लगते हैं, वो गीता को पकड़ने लगते हैं और उसके साथ में दरिंदगी करने लगते हैं। यह सब पति अपनी आंखों से देखता रहता है, लेकिन पति कुछ नहीं उनको बोलता और पति हंसता रहता है और कहता है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। उस राजेश के वो दोस्त उसकी पत्नी गीता की आबरू को, इज्जत को तार तार कर रहे हैं और उसके साथ में बलात्कार पे बलात्कार किए जा रहे हैं। पति खुद बैठकर देखता रहता है, हंसता रहता है, लेकिन उनको कुछ नहीं बोलता। दोस्तों, जैसे तैसे रात बीत जाती है, वो गीता दर्द सहन करती रहती है और जैसे ही सुबह होती है
उससे पहले जो उसका पति खुद होता है वो भी उसके साथ में दरिंदगी करता है। दोस्तों जैसे सुबह होती है, सुबह वो अपने भाई अपने पिता को फ़ोन करती है और जैसे ही पिता और भाई वहाँ आ जाते हैं उनको लेकर वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है और वहाँ जाकर वो अपनी अब बीती बताती है। ये सब जो SHO साहब सुन रहे होते हैं वो सुनकर उनकी आंखों में एक बार आंसू आ जाते हैं और वो भी कहने लगते हैं ये पति नहीं ये तो जानवर से भी बदतर है। पुलिस एक टीम गठित करती है और इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी में लग जाती है। दबिश देने के बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसमें पति राजेश और उसके चार दोस्त और होते हैं। उन पांचों लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से एक पति जो रक्षक हुआ करता है वो कैसे भक्षक बन जाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी के साथ ही गैंगरेप जैसी वारदात कर डालता है। दोस्तों जो पति होते हैं वो 7 जन्मों की कस्में खाया करते हैं कि हम 7 जन्म तेरे साथ रहेंगे और तेरी रक्षा करेंगे, लेकिन यहाँ पर पति ने किया क्या? रक्षा तो बहुत दूर की बात, वो खुद देखकर हंसता रहा। दोस्तों ऐसे पति को आप क्या कहना चाहेंगे और ऐसे पति को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए जिससे कि आगे दोबारा ऐसा कोई कदम ना उठा सके? दोस्तों आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।